मित्रों जय माता दी। मित्रों 29, 30 और 31 जनवरी तुला राशि वाले जातकों के महाराशिफल के बारे में आपको बताने वाले हैं। इसके साथ साथ आप इन तीन दिनों में कौन से विशेष क्षेत्रों में कार्य करें जिनसे कि आपको ज्यादा सफलता, आपके मान सम्मान स्कृति में वृद्धि हो सके, आप अपने कार्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सको, इसके लिए आप क्या करें क्या न करें, क्या कहते हैं आपके सितारे, आपका लकी कलर लकी नंबर कौन सा रहने वाला है। मित्रों इन तीन दिनों के महाराशिफल के बारे में आपको बताएंगे कौन से क्षेत्रों में सावधान और सतर्क होकर रहने की जरूरत है तथा आपके ग्रह गोचर आपके जीवन में, आपके व्यापार करियर तथा आपके लव लाइफ में कौन कौन से सकारात्मक परिवर्तन करने वाले हैं आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सकें। मित्रों तुला राशि वाले जातकों को बताना चाहूँगा कि आपको 29, 30 और 31 जनवरी के दिन किसी बात को लेकर आपके मन में डर बढ़ सकता है। आपको अपने सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है। आपका वैवाहिक जीवन पहले की अपेक्षा काफी खुशनुमा बना रहेगा। पूरी कोशिश करके भी आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकेंगे। महिलाएं सौंदर्य से संबंधित वस्तुओं पर पैसा खर्च कर सकती हैं। आपको अपने जीवन साथी से काफी सकारात्मक संकेत मिलेंगे। आपके वैवाहिक जीवन में खुशियों का समावेश होगा। आपको अपने जीवन साथी के साथ अच्छे पल बिताने का मौका मिलेगा। आपके कंधों पर एक से अधिक जिम्मेदारियां आ सकती हैं जो आगे चलकर आपके मान सम्मान में कारगर साबित होंगे। आप खुद को ज्यादा ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपके सुगम व्यवहार से लोग काफी प्रसन्न रहेंगे और किसी करीबी व्यक्ति के साथ रिश्ते सुधर सकते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि आप अपने जीवन साथी, अपने मित्रों या फिर अपने परिवार के सदस्यों के साथ घूमने फिरने जा सकते हैं। आपका मन धार्मिक कार्यों में यानी पूजा पाठ में अधिक लगेगा। हो सकता है माता पिता के साथ आप इन तीन दिनों में मंदिर जाने का प्लान भी बना सकें और किसी काम का कोई समाधान भी आपको मिल सकता है। आपको मित्रों का सहयोग मिलेगा, पार्टनर के साथ समय व्यतीत करेंगे। आपके कामकाज से अधिकारी काफी खुश रहेंगे। आप दूसरों की तुलना में अपने लक्ष्यों पर ही ज्यादा ही ध्यान दोगे और कुछ ज्यादा ही ऊंचा तय कर सकते हैं। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, बशर्ते आपको कुछ लोग फालतू की बातचीत में फंसा सकते हैं और आपके समय को खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। बेहतर होगा इन लोगों से आप दूरी बनाए रखें। अगर आप व्यापारी हैं तो आपको व्यापार में अचानक फायदा हो सकता है, आमदनी का नया सोर्स भी मिलेगा। आपका आत्मविश्वास पहले की अपेक्षा मजबूत रहेगा। ऑफिस में आपको अच्छे कामों के लिए बधाई मिलेंगी, सफलता दूसरों को प्रेरित करेंगी। आपका मन, आपका जो मत है वो बिना झिझक के सबके सामने रख सकोगे, जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और कारगर साबित होगा। आप व्यवहारिक जीवन के प्रति सजग रहेंगे। आपको धन लाभ के कई अच्छे मौके दिख रहे हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। घर से निकलने से पहले आप हो सके तो माता पिता का आशीर्वाद लेकर जाएं या नहीं तो फिर आप देवी देवताओं को सच्चे दिल से उनको प्रणाम करें और तभी आप घर से बाहर निकलें। जीवन साथी को कुछ अच्छा सा गिफ्ट दे सकते हैं जिससे आपके रिश्ते मजबूत बनेंगे, आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। आपके सामने आई समस्याओं को आप आसानी से हल कर सकते हैं। मित्रों तुला राशि के लोगों को संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिल सकती है। आप अपने दोस्तों से मिलने उनके घर पर जा सकते हैं। जो लोग विवाहित हैं और काफी कई दिनों से और काफी वर्षों से, अगर आप संतान की चाहत रखते हैं और किसी कारणवश आपको संतान प्राप्ति नहीं हो सक रही, ऐसे में आपको इन दिनों प्रयास अवश्य करने हैं और आपको एक अच्छे से संतान की प्राप्ति हो सकेगी। आपको अपने जीवन में सुख समृद्धि और कई तरह की योजनाओं को बनाने का मौका भी मिलेगा। आपका दिन उल्लास से भरा हुआ रहेगा। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य भी काफी अच्छा है।
आपको धन के नए साधन मिल सकते हैं। कार्यस्थल का वातावरण आपके पक्ष में रहेगा। आपको सफलता के कई अच्छे मार्ग हासिल होंगे। आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं सफल होंगे। आप अपना निजी जीवन में आराम फरमा सकोगे। जीवन साथी के साथ आप प्रेम संबंध और मधुर कर सकते हैं। आपको नौकरी में प्रमोशन मिल सकते हैं। घर पर नए मेहमान आपके लिए विवाह के प्रस्ताव ला सकते हैं, जो आपके लिए शुभ रहेगा। वैवाहिक जीवन में आ रही अड़चनों का अंत होगा और घर परिवार में खुशियों का वातावरण छाया रहेगा। मित्रों, आपको बताना चाहेंगे कि आप अपने जीवन में काफ़ी कई सारी खुशियों को पा सकोगे। आपको अपने सभी कार्यों में जल्दबाजी करने से बचना होगा, अन्यथा कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। मन में नकारात्मक भावों को न आने दें। कुछ बातों को भाग्य और हालात पर छोड़ दें। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। कुछ समय केवल अपने लिए निकालें। कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आपको खुशियाँ मिलेंगी। प्रेम जीवन के लिए जो योजनाएं आपने बना रखी हैं, उसे आप अधूरापन ना करें, उसको पूरा करने का प्रयास करें। आपके कर्तव्यों के कारण आपकी निजी जिंदगी में कुछ हलचल हो सकती है और भविष्य और पुरानी बातों को लेकर आप अधिक चिंतन कर सकते हैं। आपको अपने आप पर पूर्ण विश्वास करना होगा और परिवार में कोई छोटी समस्या उभर कर आ सकती है। आपका व्यक्तित्व इन क्षेत्रों में इत्र की तरह महकेगा और सबको आकर्षित करेगा। कोई लेनदार आपके दरवाजे पर आ सकता है और आपसे पैसा उधार मांग सकता है। उन्हें पैसा लौटाकर आप आर्थिक तंगी में आ सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि उधार लेने से बचें। आपका दिन काफी रोमांचक बनाने के लिए करीबी दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ समय को व्यतीत करें। आपको बताना चाहेंगे कि आप अपने आलस्य और गलतियों के कारण किसी समस्या में फंस सकते हैं, इसलिए सावधान रहें। आप पर जिम्मेदारियां अधिक होंगी। नई जिम्मेदारियां लेने से संकोच न करें। किसी खास दोस्त से आपकी खूब मनमानी होंगे। आपके मन में जो भी चिंताएं चल रही हैं, उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। मित्रों, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि इस समय का आप भरपूर उपयोग करें। आप जिस भी काम को करेंगे, उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ करें। आपसे कई लोग मदद मांग सकते हैं। आप लोगों की जरूरतों के अनुसार सलाह दे सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। आपके दुश्मन आपके काम में अड़चन डाल सकते हैं। बेहतर होगा आप अपने दुश्मनों से दूरियां बनाकर रखें और सभी के साथ प्यार से पेश आएं। आपके सभी दुखों का अंत जरूर होगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा तथा आपको आने वाला दिन काफी फायदेमंद और कई सारे उम्मीदों को ला रहा है। आपको कई बड़े फायदे होंगे। इस राशि के छात्रों को अच्छे परिणाम मिलेंगे। लंबेट के लिए आज का दिन 29, 30 और 31 जनवरी का दिन काफी अच्छा है। आप अपनी ईमानदारी के कारण जीवन साथी और परिजनों का स्नेह प्राप्त करोगे। आपको अपनों को खुश करने के लिए उन्हें कुछ उपहार देना होगा और किसी नए व्यक्ति से मुलाकात कर सकते हैं। जीवन में आगे बढ़ेंगे तथा आप अपने मन में कुछ नया करने का विचार ला सकते हैं और किसी अपने से धन की प्राप्ति हो सकती है। पारिवारिक खुशियां आपको लाभ देने वाली हैं। आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ज़्यादा मेहनत करेंगे। दूसरों की मदद करने के मौके भी आपको ज़रूर मिलेंगे और आपके ज़रूरी कामों में जीवनसाथी का योगदान काफ़ी यादगार, कारगर और अच्छा साबित होने वाला है। सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन नियमित रूप से आपको विशेष रूप से देखरेख करनी चाहिए। आपका ज़्यादातर समय दोस्तों के साथ व्यतीत होगा, जिससे आपके रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। आपको किसी समारोह में जाने का अवसर प्राप्त होगा। इस राशि वाले लंबेट का अपने साथी के प्रति अन्य दिनों की अपेक्षा और ज़्यादा झुकाव रहेगा। छात्रों को कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। आपको सावधानी से सारे काम पूरे करने होंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेंगे। आपका दिन भी शानदार गुजरेगा। इस राशि के लंबेट के लिए
28, 29, 30, 31 जनवरी काफी महत्वपूर्ण है। आप जरूरतमंद के लिए संवेदनशील रहेंगे और आप नई योजनाओं को शुरू कर सकते हैं। आपके द्वारा बनाई गई योजनाएं काफी सफल रहने वाली हैं। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होंगे। मित्रों, इस राशि के नौकरी पेशा लोगों को अपने सहकर्मियों का पूरा योगदान मिलेगा। आपके रुके हुए सारे काम पूरे होंगे। आपके पारिवारिक जीवन में उत्साह का माहौल रहेगा। इस राशि वाले कवियों के लिए अत्यंत लाभकारी दिन रहने वाला है। आपको अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए पुरस्कार भी मिलेंगे। आप अपने जीवन साथी से मन की बातों को शेयर कर सकते हैं। मित्रों, आपका दिन बेहतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय मां विंदुवा।